आपको पता है मैं वर्कआउट करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा सब घर में बैठे हैं तो मिनिमम चीजों से हम क्या क्या वर्कआउट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आज चेस्ट लगाने वाला हूँ, चेस्ट के साथ मैं ट्राइसेप्स लगाता हूँ हर बार जैसे मैं जिम में करता हूँ। चेस्ट एंड ट्राइसेप्स मिक्स, बैक एंड बाइसेप्स मिक्स, लेग्स एंड शोल्डर मिक्स, ठीक है। तो कई लोग लेग सिंगल मारते हैं, बट मैं लेग्स विद शोल्डर मारना पसंद करता हूँ। पहले पूरी शोल्डर मारता हूँ फिर लेग्स मारता हूँ। तो आज हम मोस्ट प्रोबेबली चेस्ट मारेंगे, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, रेजिस्टेंट बैंड और रॉड नहीं कहेंगे प्रॉपरली, जिम रॉड नहीं होती, जैसे डंडे नहीं होते घर में, जो डंडे रखे हुए होते सीधे सीधे से, तो उन पर मार्किंग करके हम प्रॉपरली एक्सरसाइज बनाएंगे, मारेंगे, देखते हैं कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड क्या नहीं कर सकते हैं, रेजिस्टेंट बैंड से कितनी एक्सरसाइज हो सकती है। लेट्स सी, आप इस ब्लॉग में बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और रेगुलर वीडियो जैसा कि आ रही है, जैसा मैंने बोला था कि रेगुलर वीडियो आएगी, रेगुलर वीडियो आ रही है, तो प्लीज हिट लाइक, शेयर दिस वीडियो। एंड अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मैं खा रहा हूँ, ये एक ओट मील है। इस ओट मील में क्या क्या डला हुआ है पहले बताओ, तो ओट है, थोड़ा सा मिल्क है, पानी है और शुगर फ्री यूज करी हुई है मैंने। उसके बाद मैंने यूज किया है इसमें 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर एंड 1 स्कूप पीनट बटर, तो एक बहुत अच्छी आपकी 35 से 40 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करने वाली ये एक मील आपके सामने है। तो ये आप बना के खा सकते हो, मैं प्री वर्कआउट मील में लेता हूँ क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, कार्ब्स होती है ना इसके अंदर। लेट्स गो। 1 आवर लेटर। सो गाइस, नाउ आई एम हैविंग अ ब्लैक कॉफी। वैसे इतने बड़े जग से मैं नहीं पी रहा हूँ, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, और ताकि ठंडी हो जाए जल्दी, ठंडी होकर ज्यादा मजा आता है ना, गर्मा गर्म में इतना मजा नहीं आता मुझे कि एकदम अजीब सी लगती है गर्मियों में, तो हल्की सी ठंडी हो जाए तब मैं एक घूंट में पी जाता हूँ। और थोड़ा सा ना कॉफी कैफीन लेवल बढ़ा देता है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है। होम वर्कआउट में पता है क्योंकि कई लोग होम वर्कआउट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि होम वर्कआउट में मन नहीं लगता क्योंकि आपके पास इक्विपमेंट्स होते नहीं है, लिमिटेड चीजें होती हैं, लिमिटेड स्पेस होता है, टाइम होता है आपके पास बट लिमिटेड होता है चीजें और इक्विपमेंट्स, और तो मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने के लिए हैविंग ब्लैक कॉफी, इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। और ओट्स खाए हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है। तो ये हमारा ट्राइपॉड है जिस पे हम ऑफ कोर्स ये बातें शूट करते हैं अपनी रील वील पूरी, और ये वो स्पेस है जिसमें हम वर्कआउट करेंगे। हमारे पास क्या चीज़ है, एक हमारे पास ये हुक है, ये हुक मैंने बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है कि एक तार को पहले मैंने फोल्ड कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे गांठ बना दी ताकि ये हुक कहाँ पे लग सके। ये हुक मैंने गेट को ऐसे खोला, ठीक है, गेट को ऐसे खोला और ये हुक इसमें से, यानी कि इसमें से, इस वाले गेट में से पार नहीं होता है, थोड़ा सा मोटा बना रखा है मैंने ताकि कटे ना मेरे, और ये हुक यहाँ से इसमें पार हो सके ये ऐसे करके। एंड अब ये मेरे लेवल पे आ गया, जैसे मुझे चेस्ट मारनी है, मिडिल चेस्ट मारनी है, तो ये मेरे चेस्ट के लेवल पे है। मुझे अपर चेस्ट मारनी है मैं इसे यहाँ अटका लूँगा ऊपर की तरफ, मुझे लोअर चेस्ट मारनी है मैं वहाँ अटका लूँगा ऐसे नीचे की तरफ, बाइसेप्स मारनी है सामने, नीचे मारनी है, ऊपर मारनी है, तो ये हुक बन गया है। ये ऐसे करके अटक जाएगा तो आएगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। एंड ये मेरी दो ये है, तो मैं इसको बस सिंपली क्या करूँगा, लाइक मैंने यहाँ से बस यहाँ से ऐसे निकाला, बस इट इज रेडी टू गो, मैं यूज हो जाएगा। इसे ऊपर नीचे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये हैक आप भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको कोई हुक खरीदना। डकार आ गया यार। A few moments later. तो गाइस मैं अपने आउटफिट मार चुका जिसमें मैं एक्सरसाइज करूंगा। तो हम किस तरीके की एक्सरसाइज करने में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जब हमारे पास वेट्स नहीं है, हमारे पास रॉड नहीं है, हमारे पास डंबल नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके का वेट नहीं है, तो हम किस तरीके की एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी वेट से एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी पुशअप्स लगाएंगे ज़्यादा, जो हमारे पास बैंड है बैंड से एक्सरसाइज करेंगे, यानी इंक्लाइन डिक्लाइन मिड चेस्ट की 3 एक्सरसाइज हम वहीं पर कर लेंगे, फिर पुशअप्स लगाएंगे, हर सेट के बाद पुशअप्स ऐड करेंगे, वार्म अप में भी 100 से 150 पुशअप्स लगाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने वर्कआउट को इंटेंस कर सकें, क्योंकि हमारे पास कोई भी तरीके का वेट नहीं है, हम एक जिम के लेवल के एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट या टू मेंटेन आर बॉडी टू स्टे फिट हम वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस लेवल की एक्सरसाइज तो नहीं, बट हाँ अपनी बॉडी को फिट रखने लायक एक्सरसाइज, एक अच्छा 500 कैलोरी का वर्कआउट बड़ा आराम से करा जा सकता है। उसके साथ उसके बाद फिर हम चेस्ट और ट्राइसेप्स के बाद हम एब्स का थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, जो बड़े आराम से हमारी टोटल 500-600 कैलोरीज का
वर्कआउट हो जाएगा। गाइस जो मेरी मसल है वो अभी भी मेंटेन्ड है, मुझे 2 हफ्ते हो गए जिम गए हुए और तब भी मेरी मसल मेंटेन्ड है। क्यों मेंटेन्ड है? क्योंकि होम वर्कआउट चालू है, डाइट चालू है, डाइट में हल्के फुल्के चीट्स हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के हल्के, पर प्रोटीन इनटेक उतना ही जितना होना चाहिए। यार अगर मेरा वजन अगर 75, 76, 77 के बीच में तो बड़े आराम से मैं 150, 160, 170 170 ग्राम अच्छी खासी मोटिवेशन आ गई थी गाइस एक्सरसाइज करने की। 40 पुशअप्स मार दिए थे एक साथ ही, 50 मारने की पूरी ट्राई थी मेरी। और ये देखो क्या होता है, बता क्या हुआ। तो क्या हुआ कि मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था, मेरा मुंह यहाँ पे था, मैं लोअर चेस्ट के लिए पुशअप्स मार रहा था, यहाँ पे मेरे हाथ रखे हुए थे, यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था। कान जो बड़ ढीला हुआ वो इसमें से पार हुआ इसके अंदर, और पार करता हुआ इस फ्लोर को पार करता हुआ नीचे वाले फ्लोर पे जाके गिर गया। और अब मुझे देखना है कि वो बट जिंदा है अभी, पैसे खर्च होंगे, ये एक बट और एक बट नीचे, अब नीचे से लेके आता है बट, दोनों मिल गए, टूटा भी नहीं, बच गया। Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. हमारा वार्म पूरा हो चुका है, 150 हमने लगाई 5 सेट में, पहले सेट में 50 लगाई, पूरा शरीर वार्म हो चुका है, पसीना आ चुका है, तो जल्दी जल्दी वर्कआउट कट लेंगे ताकि ये पसीना सूख में जाए, वार्म खत्म ना हो जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लेने पहले रेजिस्टेंट बैंड से हम लगाएंगे मिडल चेस्ट की एक्सरसाइज, यानी कि केबल फ्लाई जो हम जिम में लगाते हैं उसमें अपने लेवल पर, चेस्ट के लेवल पर उसको वहाँ पर सेट करके हम केबल फ्लाई यूज़ करेंगे। उसके तुरंत बाद हम 10 पुशअप्स लगाएंगे नॉर्मल फ्लैट पुशअप्स, उसके बाद हम लगाएंगे एक ट्राइसेप्स एक्सरसाइज, यानी कि 3 एक्सरसाइज का एक राउंड और ऐसे 4 राउंड लगाएंगे, तब जाके हमारा एक सेट कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर हम दूसरे की ओर बढ़ेंगे, दूसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, यानी कि दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, फिर तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, फिर चौथी एक्सरसाइज करेंगे, और उनके ऐसे 4-4 राउंड लगाते चलेंगे, ठीक है। और तब हमारे जाके एक कंप्लीट वर्कआउट खत्म होगा। उसके बाद फिर हम एब्स भी ट्रेन करेंगे, तो वर्कआउट काफ़ी इंटेंस है, थोड़ा लंबा वर्कआउट है, तो आप साथ चलो, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे शोर हो रहा है, तो जूम मीटिंग चल रही है, तो उसको इग्नोर करना, मेरी आवाज़ को सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेन इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ। तो मैंने अपने चेस्ट के लेवल पे इसे इसको सेट कर लिया, अपने इस हुक को सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रेजिस्टेंट बैंड है इसे हम देंगे और इस हुक के अंदर इसे डालेगा। थोड़ा मैं एक केरा कैमरा मैन भी, मैं यूँ शूट भी नहीं कर रहा हूँ, बता भी चीज़ें नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब इस रेजिस्टेंट बैंड को हम दोनों साइड से इक्वल कर लेंगे, यानी कि दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए ताकि दोनों चेस्ट, यानी कि दोनों पोर्शंस में एक जैसा लोड आइए। बहुत ज़्यादा नोटिस करके रखना पड़ेगा, जैसे कि आपने इसे यहाँ पर स्ट्रेच करके देख लिया कि हाँ एक जैसा लग रहा है, एग्जैक्ट एक जैसा नहीं हो सकता, बहुत कम चांस हो जाए, बट हाँ एक फील आनी चाहिए कि हाँ ये एग्जैक्ट है। तो अब हम इसको परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर अपने कैमरा लगा देता हूँ, ठीक है, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपना नॉर्मल केबल की तरह इसे इस एरिया को राइट एक तरफ मार के रखा, और ये जो हम चेस्ट अप करके जो हम नॉर्मल केबल स्लाइड में लगाते हैं, स्क्वीज कर रहे हैं चेस्ट को, कई लोग इसे इस तरीके से लगाते हैं, कई लोग इसे इस तरीके से लगाते हैं, दोनों ही सही फॉर्म है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। दोनों
अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालती है मेरे चेस्ट पे। कम से कम 20 रैप रेपिटेशन लगाने हैं आपको, क्योंकि वेट हल्का है, वेट हल्के जाता है तो रेपिटेशन। अब पुशअप लगाएंगे। दस पुशअप हो गए। अब ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस चेयर को लेना है, जो हम जिम में लगाते हैं। पूरा नहीं किया हूँ, पूरा होता अब ऐसे करके हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है सीपी। ऐसे करके हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है और ऐसे हम चार राउंड लगाएंगे, तब जाके हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। और ऐसे ही हम तीन से चार एक्सरसाइज करेंगे। तो समझ गए, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलता हूँ। ये ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। ये वाला एक पार्ट हो गया। इसलिए अगर आपको रेजिस्टेंस बैंड का थोड़ा सा वेट बढ़ाना है, आप चाहते हो कि और ज़्यादा वेट लगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ ताकि वो ज़्यादा स्ट्रेच कर हो और ज़्यादा आपकी जान लगे उसको आगे स्ट्रेच कर दिया, तो ऐसे बढ़ जाएगा वेट, ठीक है। एक हैक है, नॉर्मल सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए बता दिया मैंने। बहुत ईजी है, चार राउंड लगाने हमें। सो गाइस, इस एक्सरसाइज के चार सेट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद इसमें एक एक्सरसाइज में बीटी भी बहुत होगी, मतलब दूसरी बीटी हो चुकी है। एक बीटी पहले हुई थी, एयरबड गिर गया था, दूसरी बीटी क्या हुई कि जो मैंने ये जो बनाया था ये टूट गया। मैं ये वाली एक्सरसाइज मार रहा था और ये टूट गया और मेरी पीठ पे इतनी तेज रबर बैंड आके लगाया। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैं दिखाऊंगा क्या लाल पड़ा है नहीं पड़ा, मैंने भी नहीं देखा, बट इतना दर्द हुआ था मैं 2 मिनट बजा के बेड पर लेट गया और लाइक खराब हो गया था। मेरा मन बिल्कुल नहीं करता एक्सरसाइज करने का, मैंने सोचा एक्सरसाइज छोड़ देता, बट मैंने कहा नहीं, अब मैंने वीडियो चालू कर दी है तो एक्सरसाइज में करूँगा। ये हुआ व्लॉग करने का फ़ायदा कि मेरी आज की एक्सरसाइज गई नहीं, आज की एक्सरसाइज करूँगा मैं। अगर मैं व्लॉग नहीं करता तो एक्सरसाइज छोड़ देता, क्योंकि बहुत तेज लगी थी, मुझे दर्द इतना ज़्यादा हुआ, ख़त्म। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है कि जो ये बैंड है कि मिड में था, अब इसे मैं ऊपर करूँगा, क्योंकि अब मैं लोअर चेस्ट मारूँगा, तो जो नीचे की तरफ हम केबल लेते हैं तो इसे ऊपर करूँगा और मैं लोअर की एक्सरसाइज मारूंगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब मैं किसी वायर पे भरोसा ना करके मैंने क्या किया है कि जो दूसरा मेरा रेजिस्टेंट बैंड था ये वाला, इसी के हुक में, तो देख सकते हैं, इसी के हुक में मैं इसे फंसा दूंगा और अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा। तो अपर के लिए मेरे पास यहाँ पे खूंटा है, आप लोग गेट में भी अटका सकते हो, मेरे पास खूंटा है तो मैं खूंटे में अटकाऊंगा, ये ज़्यादा रिलायबल है। गेट से गेट टूट भी सकता है, वैसे टूटता नहीं है बट ये ज़्यादा रिलायबल है, तो ये चीज़ हम अप्लाई करते हैं। तो लोअर चेस्ट मारते हैं स्मार्ट करके। सेकेंड वाले सेट में हमारा क्या है, सेकेंड वाले सेट में हमें करना है, हम लोअर चेस्ट लेंगे, यानी कि ये जो केबल हम लेते हैं इसमें हम लोअर चेस्ट को स्क्वीज करेंगे। चेस्ट को स्क्वीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आप चेस्ट को स्क्वीज कर नहीं करोगे तब तक चेस्ट पर वो आएगी नहीं, वो फील नहीं आएगी आपको। तो स्क्वीजिंग ये याद रखनी, स्क्वीजिंग बहुत ज़रूरी है चेस्ट की, तो स्क्वीज ज़रूर करना और मैं भी वही करूँगा। उसके बाद फिर हम एक नौ फिर 10 पुशअप्स इसमें भी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हमसे हम ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज लेंगे। ट्राइसेप्स वाली भी मैं सोच रहा हूँ, ट्राइसेप्स की पुशअप्स ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या करते हैं अभी। ओके देखो, इसके 12-15 रेपिटेशन लेने के बाद पुशअप्स लगाओ। पुशअप्स भी दिखा दूंगा, नौ दिखा दूंगा, पुशअप्स भी देख लो। हम पुशअप्स करो, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज में मैं सोच रहा हूँ कि हमें जो पुशअप्स होती हैं, जो ट्राइसेप्स के डायमंड पुशअप्स जैसे कहते हैं, डायमंड पुशअप्स, डायमंड फेक एक्स, डायमंड पुशअप्स जो होती हैं वो लेते हैं। तो किसी को नहीं पता वो डायमंड पुशअप्स क्या होते हैं तो मैं बता देता हूँ। डायमंड पुशअप्स में कुछ नहीं होता है, बस आपको ऐसे करके डायमंड बनाना होता है। दस क्वेश्चन मार दो। तो ये डायमंड बनाने से क्या होता है कि आपके ट्राइसेप्स पे फोकस्ड होती है, तो ये कर सकते हो। तो ऐसे हम तीन एक्सरसाइज का, ये तीन एक्सरसाइज को एक बना के इसके चार सेट्स परफॉर्म करेंगे तो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज सेट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बच जाएगा वो बताता हूँ, इससे पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। तो इस उन एक्सरसाइज को मैंने परफॉर्म कर लिया, उसके बाद अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो बची है वो है हमारी अपर चेस्ट की। ये पार्ट जो है हमारी अपर चेस्ट का, ये पार्ट ये ट्रेन होगा स्क्वीज करना है। यहाँ पर भी ये याद रखना, तीन एक्सरसाइज करेंगे उसका एक सेट बनेगा उसके। सो जो अपर चेस्ट की एक्सरसाइज है उसमें भी क्या है कि बैंड वहीं पर रहेगा, ऊपर ही रहेगा, जो हम इसे नीचे की तरफ स्क्वीज कर रहे थे, इसलिए हम इस पोजीशन में स्क्वीज करते हैं, यानी कि यहाँ ये जब हम स्क्वीज करते हैं तो ये आएगा, जब हम इसे स्क्वीज करते हैं ये ऐसे करके तो ये लोअर चेस्ट पर आता है। धीरे धीरे काम कर लेंगे। अब ये तो हो गया, ये यहाँ पर आप रेपिटेशन लगाना, इसकी 20 रेपिटेशन लगाना हर सेट में, क्योंकि ये वेट हम बढ़ा नहीं सकते, तो इसके 20 रेपिटेशन लगाओ। नॉर्मल है, इसे हाथ में लेता हूँ, इसे इस पर पैर रखते, नीचे अपना पैर रखो, इसे ऊपर लेके आओ, ठीक है। और दोनों हैंड से, दोनों हाथों से इक्वल आप वेट लें, मतलब इक्वल आप रेपिटेशन भी लें। 1, 2, 3 ये सपोर्ट के लिए मैं अपना हाथ अपनी चेस्ट पर रखेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। तो और फिर नॉर्मल जो मैंने पुशअप्स मार रहा हूँ वही 10 पुशअप आप हर सेट के बाद लगा लें, आपका वही पुशअप्स आप हर सेट के बाद लगा लें, हर सेट में लगा लें, इंक्लूड कर लें, तो आपका काम बन जाएगा और आपकी तीन एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब एब्स की एक्सरसाइज मैं अगली किसी वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि सारा कंटेंट एक ही वीडियो में दिखा दूंगा, वीडियो भी बड़ी होगी है तो मज़ा नहीं आएगा। तो एब्स का वर्कआउट अगली वीडियो में, और अब मैं पोस्ट वर्कआउट में अपना एक प्रोटीन शेक लूँगा और थोड़ी सी कार्ब्स लूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा दें, ताकि घर में भी ऐसे वर्कआउट किया जा सकता है, हर पार्ट का वर्कआउट किया जा सकता है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छी से लगी तो मैं हर पार्ट की ऐसे ही एक्सरसाइज की वीडियो बना दूँगा अगर आप कमेंट करोगे तो। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें। लव यू, सब्सक्राइब करो।